अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन में हम ब्लगर के लिए प्रोफेशनल टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उनको अपलोड करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं ब्लगर ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि आपका सी वाला टेम्पलेट्स आ जाता है, बैटरी रो टेबल टेम्पलेट से यहाँ पे, इसी तरह आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास फुटबॉल जोन का टेम्पलेट है, इसको आप प्रीव्यू करके यहाँ से देखें, ये वाला टेम्पलेट है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये वाला टेम्पलेट आ जाते हैं। फिर आपके पास ये है नॉर्मा टेम्पलेट्स है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे हेल्थ प्रेस का टेम्पलेट्स है। तो यहाँ पे किस काफी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनमें से कोई भी टेम्पलेट्स डाउनलोड करके उसे अपलोड कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। तो ये टेम्पलेट्स कहाँ से आपको मिल सकते हैं, आप बी टेम्पलेट्स वेबसाइट है, beetemplates.com में जाएंगे और यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं, आप कोई भी टेम्पलेट्स चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टेम्पलेट्स सर्च इंजन है और यहाँ पे आप देखें तो आप कॉलम वाइज टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं, 3 कॉलम्स हो, 4 कॉलम हो, 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो या एनी कोई भी हो। आप कलर वाइज चूज कर सकते हैं यहाँ से या फिर एनी, आप साइड बार पोजिशन से रिलेटेड चूज कर सकते हैं, राइट पे पोजिशन हो, लेफ्ट टू राइट दोनों साइड पे हो, लेफ्ट पोजिशन में साइड बार हो। और इसी तरह आप यहाँ से टेम्पलेट जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन लेना चाहते हैं, अडाप्टेड फ्रॉम वर्डप्रेस से रिलेटेड जो टेम्पलेट्स हैं वो लेना चाह रहे हैं, फुटर कॉलम के लिए यहाँ से आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि फुटर कॉलम पे क्लिक करता हूँ, जो जिनका फुटर जो है तो कॉलम में डिवाइड किया वो आप जो सिलेक्ट करके आप जब सर्च पर क्लिक करेंगे तो अगर इससे रिलेटेड भी टेम्पलेट्स हुआ तो वो सामने आपके आ जाएगा, नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एनी रहने दें, एनी रहने इसको, और यहाँ से आप जो है तो चूज कर लीजिए फुटर कॉलम, सर्च करें तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आ जाएगा। तो आप इस तरह के टेम्पलेट्स यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, अगर टेम्पलेट्स इस पर अवेलेबल हैं तो ये बता देगा, अदरवाइज आप जो है तो यहाँ से 2 कॉलम क्लिक करेंगे, 2 कॉलम वाइज टेम्पलेट्स आ जाएंगे, देखें 2 कॉलम वाइज जो टेम्पलेट्स हैं वो सारे आ गए हैं। इसी तरह अगर आप चाहते हैं, नहीं जी आप चाहते हैं जी यहाँ से देखिए फ्रेश टेम्पलेट्स आपको चाहिए, फ्रेश टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, फ्रेश टेम्पलेट्स यहाँ पे आ जाएंगे, तो देख सकते हैं टेम्पलेट्स को आपने चूज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसके डेमो पे क्लिक करें, डेमो क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये टेम्पलेट्स आ जाएगा, जैसे कि टेम्पलेट इसका डेमो है, आप देख सकते हैं कि इसका जो फुटर किस तरह का है, कॉलम में डिवाइड है और यहाँ पे कंप्लीट चीज देख सकते हैं, इस पर स्लाइडर अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे देखें सारा इस पर सोशल बटन इस तरह के अप्लाई किए हुए हैं। तो देखने के बाद आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा टेम्पलेट। मैं बेसिकली जो टेम्पलेट्स पे मैं काम करना चाह रहा हूँ वो टेबल टेम्पलेट्स पे करना चाह रहा हूँ, और आप कोशिश करें कि कोई ऐसा टेम्पलेट्स हो जो इस तरह का टेम्पलेट्स है या फिर कोई भी टेम्पलेट बेशक हो, स्लाइडर अप्लाई हो ना हो, मैं आपको दोनों काम करना सिखाऊंगा। अगर स्लाइडर अप्लाई है तो उस पर कैसे काम करेंगे आप, स्लाइडर नहीं है तो फिर कैसे काम करना है। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन जिनमें हो ऐसे टेम्पलेट्स आपने डाउनलोड करने हैं। टेम्पलेट्स को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करें, आपके पास टेम्पलेट डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ये टेम्पलेट से टेबल वाला, इसको डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, और टेम्पलेट स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब टेम्पलेट्स को अपलोड करने हैं आपने, तो अपलोड कैसे करेंगे टेम्पलेट्स को उस पर डिस्कस करते हैं। यहाँ से मैं इसे ओपन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, टेबल वाला टेम्पलेट से यहाँ पे देखें, इसे मैं राइट क्लिक करके इससे मैं एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करूंगा, टेबल का टेम्पलेट आ गया। अगर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करें तो उसके लिए ये वाला टेम्पलेट यहाँ से आपने अपलोड करना है,
और जो लोग विंडो यूज कर रहे हैं विंडो के लिए आप टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल में देखें तो दो किस्म के टेम्पलेट्स आ रहे हैं, टेबल विदाउट स्लाइडर, स्लाइडर के बगैर अगर आपको चाहिए तो आप स्लाइडर बगैर अप्लाई कर सकते हैं, अगर टेबल वाला चाहिए कंप्लीट स्लाइडर भी चाहिए तो आप स्लाइडर, तो XML वाले जो डॉक्यूमेंट्स है इसको आपने अपलोड करना है। अब टेम्पलेट्स को आपने अपनी साइट पे कैसे अपलोड करना है उस पर डिस्कस करते हैं, मैं यहाँ से इन सबको क्लोज करता हूँ। आपने यहाँ पे अपने ब्लॉगर पे जाना है और यहाँ से आपने टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है। टेम्पलेट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास बैकअप एंड रिस्टोर, बैकअप एंड रिस्टोर पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको दो ऑप्शन दे रहा है, एक कह रहा है डाउनलोड फुल टेम्पलेट्स, अगर आपका आपने ये जो टेम्पलेट्स आपने जिस पे ये काम किया हुआ इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, मीन आप चाहते हैं कि आपका जो बैकअप है वो आपका जो टेम्पलेट्स है उसमें आपने जो बैकअप जो है उसमें आपने सेटिंग्स किए हैं, इसमें गैजेट्स अप्लाई किए हैं, इसमें जो आपने जो जो काम किया वो सारा का सारा आप चाहते हैं सेव हो जाए तो उसके लिए डाउनलोड फुल टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें ये XML जो है तो उसमें ये ओपन में करता हूँ इसको, जरा शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। देखिएगा ये XML में जो है तो फॉर्मेट में ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड पे जाते हैं देखते हैं तो आपका जो टेम्पलेट है ये टेम्पलेट से आपका, तो देखें ये टेम्पलेट XML डॉक्यूमेंट्स में आपका ये टेम्पलेट जो है तो ये डाउनलोड हुआ है, तो हम भी जो अभी अपलोड करेंगे टेम्पलेट वो भी XML में ही है। तो आपने क्या करना है, आप अपलोड करना है टेम्पलेट तो उसके लिए आप क्या करेंगे चूज वाइप पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड में मेरे पास पड़ा हुआ है कंप्रेस में टेबल क्लिक करता हूँ और टेबल विदाउट स्लाइडर पे आप विदाउट स्लाइडर अप्लाई करने चाह रहे तो विदाउट स्लाइडर पे क्लिक करें और अपलोड पे क्लिक करें, थोड़ा सा टाइम लेगा अपलोड हो जाएगा, ये अपलोड हो चुके हैं स्लाइडर के बगैर है, आप इसको व्यू करना चाहें तो व्यू ब्लॉक पे जाके देख सकते हैं कैसा टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट आपके पास आ गया देख सकते हैं, अब इस टेम्पलेट आ गया। अगर आप टेम्पलेट को स्लाइडर के साथ आप अपलोड करना चाहते हैं तो आप स्लाइडर के साथ अपलोड कर सकते हैं, उसका क्या तरीका कार है कि आप यहाँ पे जाएं और कस्टमाइज पे क्लिक बैकअप एंड रिस्टोर पे आपने क्लिक करना है, चूज फाइल पे क्लिक करके आप टेम्पलेट्स जो है आपका टेबल जो है इस पर आप क्लिक कर लें और अपलोड कर लें तो ये स्लाइडर भी आपका अपलोड हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं आप विदाउट स्लाइडर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप विदाउट स्लाइडर अप्लाई कर लें, और अगर आप विद स्लाइडर अप्लाई करना चाहते हैं तो विद स्लाइडर अप्लाई करके आप इसको यहाँ से कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। और कस्टमाइज में आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि इसमें चेंजिंग करनी मुश्किल होती है, अब देखें मैं यहाँ पे अब ये आपके पास यहाँ पे आ गए और ये अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी जो है तो एडजस्ट कह रहा है कि ये आपको फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये एडजस्ट विद आ गई है, एडवांस सेटिंग आ गई है, तो यहाँ पे आप देखें तो ये सारी चीजें यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमने क्या किया टेम्पलेट डाउनलोड किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप टेम्पलेट्स कोई भी आप टेम्पलेट्स पे काम करते हो तो उसके लिए जो नॉर्मल जो टेम्पलेट्स की जो सेटिंग की होती है वो ही होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने के लिए आपको HTML और CSS आना चाहिए। तो चेंज करने का क्या तरीकाकार है, अब ऐसे टेम्पलेट्स को आप डायरेक्ट एडिट HTML में जाके आप चेंज कर सकते हैं, इसके अलावा आप चेंज नहीं कर सकते, तो अगर आपको HTML आता है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं व्यू ब्लॉग में जाके आपको बताता हूँ ये टेम्पलेट कैसे, ये आपको इस तरह का टेम्पलेट आ गया, तो ये तरीका था जी आप टेम्पलेट्स को कैसे अपलोड कर सकते हैं देख सकते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में हम इस टेम्पलेट्स पे मॉडिफिकेशन करना सीखेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोई भी आपको जो टेम्पलेट्स अच्छा लगता है आप इसी तरह टेम्पलेट्स को अपलोड करें, काफ़ी सारे टेम्पलेट्स हैं आप अपनी मर्जी से कोई भी टेम्पलेट्स अपलोड करें, अपलोड करने के बाद उसको ऐड करें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप स्लाइडर पे कैसे काम कर सकते हैं, स्लाइडर जो है इसकी पिक्चर कैसे चेंज करनी है, यहाँ पे सोशल बटन्स पे कैसे काम करना है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।